आप लोगों की नेचर कैसी है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, ज़िंदगी में कामयाब होंगे नाकाम होंगे, इसके लिए जज करने का एक और तरीका है। आपने आज जो जो कुछ मैं दिखाऊँ 1 2 3 करके पूरी वीडियो देखनी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ यार मैं नंबर 1 जो दिखाया है ना आपने इस तरह का हूँ, या मैं नंबर 2 नंबर 3 इस तरह का हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा जिससे आपकी पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाएगी। मेरा बहुत मानना है इस चीज़ के ऊपर। मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एज ए रिसर्चर आर्ट को बहुत मानता हूँ कि किसी भी तस्वीर को देख के, किसी भी मुजस्मे को देख कर आपके अंदर क्या छुपा हुआ बाहर आ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया में कहा जाता है महंगाई के जो बेस्ट तरीका है अपने महंगाई से बचने का, वो आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा ले जाते हैं, आप डॉलर में पैसा ले जाते हैं, आप स्टार्टअप्स की तरफ लेके जाते हैं, आप कहते हैं यार गोल्ड में रख देता हूँ पैसा। लेकिन सबसे बेस्ट हेज दुनिया में महंगाई के अगेंस्ट जो है वो आर्ट को समझाता है, लोग पेंटिंग खरीदते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट फेस्टिवल हो रहा है जिसमें मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट मौजूद है। फेस्टिवल का नाम है आर्ट बाजल। बाजल जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है और वहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ था। अब हॉन्गकॉन्ग, पेरिस और यहाँ होता है, और कम से कम समझ लें $10 बिलियन से ऊपर का यहाँ पर जो है सारा कुछ स्टफ मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात समझने की ये है कि लोग आर्ट क्यों खरीदते हैं। ये आपने एक एक पेंटिंग देख के बताना है कि कौन सा आर्ट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे लिए जो है बिटकॉइन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हर आर्ट को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर एक बहुत एनर्जी फील होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ आर्ट को देख के नेगेटिव एनर्जी आती है। आपने बताना है कि किसको देख करके आ रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन $36.6 मिलियन स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किया था कोविड के अंदर एक्सपोर्ट हुई है, यानी ये वो इंडस्ट्री है जिससे पाकिस्तान बहुत सारा रेवेन्यू बना सकता है अगर आर्टिस्टों को सही तरह प्रमोट किया जाए या पाकिस्तान का आर्ट दुनिया भर में दिखाया जाए। यहाँ देखो कोई पाकिस्तानी इंडियन आर्टिस्ट है भी कि नहीं है। और दुनिया में $65.9 बिलियन पिछले साल सिर्फ ट्रेडिंग हुई है, यानी इतनी पेंटिंग्स बिकी हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भाई, प्रॉपर्टी से बिटकॉइन से ज़्यादा यहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं। लोगों किस किस्म की पेंटिंग खरीद रहे हैं दफा वो देख। आपने इस आर्ट गैलरी वालों को देखना है और इनकी इस पिक्चर्स को देख के बताना है कि क्या आपको लगता है कि आप ऐसे हैं। स्टार साइन के साथ आपने लिखना है हाँ यार नंबर 1 ये ठीक है, या आपको ये आर्ट देख के लग रहा है ये आपके मतलब का। अच्छा, आर्ट बाजल में जो जितने भी लोग आते हैं ये अपना आर्ट बेचने आते हैं, या बड़े बड़े लोग कलेक्टर्स आते हैं और वो आर्ट अपना ख़रीदते हैं। क्या आपको देख के लग रहा है कि ये आर्ट पीस जो है आपको ख़रीदना चाहिए। ये मेरे ख्याल से कितने का है भाई, $4,500 का है ये। किस स्टार साइन को लगता है कि नंबर 2 ये है मेरे पास, क्या आप ऐसे हैं कि आप इस आर्ट पीस को ख़रीदते अगर नोट होते आपके पास। फिर ये बहुत ही डिटेल्स के साथ आर्ट पीस है और ये तकरीबन है $25,000 का बना हुआ। मैं सामने से दिखाता हूँ आपको कि कितना कमाल का ये बना हुआ है, बहुत ही क्रेजी। डिटेल्स चेक करें आप सिर्फ, मतलब दुनिया में अगर आर्ट ना हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जितने मुल्कों ने अपने आर्ट को बैन किया, एक तरफ किया, उनके जो लोग थे उनके इमोशंस जो है बिल्कुल ख़राब हो गए, उनके इमोशंस बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो हमेशा आर्ट का रहना किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आर्टिस्ट जो अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करता है, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल सिचुएशन को या फिर वो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन को कर रहा होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क के लिए। क्या ख्याल है तीसरे नंबर पर ये है, क्या आपको ये आर्ट ख़रीदने का दिल कर रहा है और क्या ये आपको रिफ्लेक्ट करता है। ये जो आर्टिस्ट है ये ड्रोन से पेंटिंग करता है, ड्रोन उठाता है और ड्रोन से सारी पेंटिंग इस तरह कर रहा होता है। ये चेक करें आप, ये आर्टिस्ट का नाम है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, ये मैंने पहली दफ़ा इस तरह का कोई देखा है वैसे। क्या ये आपको रिप्रेजेंट करता है, इसने जो आर्ट बनाया हुआ है क्या इसको देखकर आपको लगता है कि यार ये सारा ड्रोन से बना हुआ है, हाथ से नहीं बनाया इसने। ये आर्ट क्या आप खरीदते, ये है $3,000 का सबसे महंगा, हाँ इतना ही है। क्या आप इसको रिप्रेजेंट करते। अब फिफ्थ आर्ट पीस मैं आपको दिखाने लगा हूँ एडम का, और जिसको देखकर आपने बताना है कि क्या आप, और अपना स्टार साइन आपने बताना है। मेरा स्टार साइन ये है और मैं यहाँ रहता हूँ रहती हूँ, और ये नंबर जो है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। दोबारा भी आप वीडियो देख सकते हैं और जैसे जैसे आप लिखेंगे तो बाद में मैं आपको आंसर्स बताऊँगा कि किस पिक्चर को देख कर किसको ज़्यादा गुस्सा आता होगा, किसको क्या फीलिंग आती होगी। ये आपने नंबर सही लिखना है पूरा, और स्टार साइन लाजमी तौर पर आपने यहाँ लिखना है। क्या आप इसको करते, फिफ्थ नंबर की पेंटिंग ये है और इसकी कीमत है तकरीबन $21,500।
सिक्स नंबर है ये, क्या आप इस किस्म का आर्ट खरीदते हैं? क्या आपको देख के लग रहा है नहीं यार मेरा स्टार साइन ये है और मुझे इस किस्म का आर्टिस्ट पसंद आता जो इस किस्म की चीज़ें बना रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ? ये तकरीबन है, एक मिनट का यार, $9,000 तक की ये पेंटिंग है। सबसे जो कमाल का आर्ट है वो ये है, चेक करें आप, सातवां नंबर, इसको आपने देख के बताना है और डिटेल चेक करें यार कैसे। ये $17,000 $17,000 का ये आर्ट पीस है, डिटेल चेक करें यार। क्या ये वो आर्ट है जो आपको रिप्रेजेंट करता है? सेवन्थ नंबर इसका है भाई, ये आर्टिस्ट को आप देख के कह रहे कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ। आठवां नंबर है भाई इसका, शेर के ऊपर ये कौन बैठा भाई बताएं, सोचें और देखें क्या आपको इस किस्म का आर्ट पसंद आता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताया। आठवां नंबर ये है भाई, लेकिन आपको ये पता है दुनिया की सबसे जो महंगी तरीन पेंटिंग है वो कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग जो है क्रिस्टीन के ऑक्शन गैलरी के अंदर जो है जब ऑक्शन हुआ तो वहाँ पर बिकी थी लियोनार्डो डा विंची की, और जो पेंटिंग जो थी वो सेल्वाडोर मुंडी, उसका नाम है सेल्वाडोर मुंडी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेंटिंग है जो लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। तकरीबन $450 मिलियन की पेंटिंग एक ही बंदे ने ख़रीद ली। कुछ ने कहा शायद मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं था, वो आर्ट का दीवाना है और $450 मिलियन की उसने पेंटिंग खरीद के दुनिया को हैरान कर दिया। नाइन्थ नंबर है भाई इसका, देख के आपने बताना क्या आप इस किस्म की पेंटिंग खरीदते, ये तीनों एक साथ ही हैं, और क्या आप इस किस्म की पेंटिंग खरीदते? ये तकरीबन है $32,000। इस पेंटिंग को देखकर आपको लगता है क्या ये ऐसी पेंटिंग है जो आप खरीदना चाहते? ये है तकरीबन $10,000 की और 990 का छोटा इसका पीस भी है। ये आपने देख के बताना है कि क्या आप इसको खरीदना पसंद करते। 11th नंबर इसका हो गया। 12th नंबर है भाई इसका, क्या आप ये पेंटिंग खरीदते? और ये चेक करें, ये हो गया 13th नंबर। ये जी पिकासो, मिलियंस ऑफ डॉलर में इसकी पेंटिंग आज तक बिकती रही है, लेकिन ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, ये समझे उसको कॉपी करके जो बनाया जाता है वो है, इसलिए आपको बड़ी सस्ती मिल जाती है, $1,500 की मिल रही है। 14th नंबर है भाई इसका, चेक करें ज़रा कितना, मुझे नहीं लग रहा कि कैमरे में सही आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से ये सामने आ रहा है। क्या कमाल का यार काम हुआ भाई, मुझे कह रही है इतना ज़्यादा वो नहीं अट्रैक्ट करता, मुझे ऑयल पेंट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बना हुआ है जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उससे पूरा, और ये देखें ज़रा क्या आप इस किस्म के आर्ट पीस को पसंद करते? इसकी कीमत जो है नहीं, ये नहीं रखी हुई यहाँ बिल्कुल भी कहीं, लेकिन यार इट इज़ सो अमेजिंग, सारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन से इन्होंने किया हुआ है। आपने बताना है कि क्या आपको ये टाइप है आपकी,